नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। आज चर्चा करेंगे इरफान खान की कुंडली पे, कि सेलिब्रिटीज की कुंडली पे चर्चा सीरीज चला रहा हूं मैं, तो उसी कड़ी में आज इरफान खान की कुंडली देखेंगे। मृत्यु पर तो मैं फलादेश नहीं करूंगा, मैं करता भी नहीं हूं, हल्का सा उतार चढ़ाव बताऊंगा जरूर आपको। तो शुरुआत करते हैं। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 शनिवार 11:59 दिन के जयपुर का। मेष लग्न की कुंडली और वृश्चिक राशि की कुंडली इनकी है, यानी मंगल के तो प्योर जातक ये हैं। अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, तो मेहनत ये बचपन से ही कर रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक अक्सर बहुत जल्दी काम धंधे में व्यस्त हो जाते। तो कुंडली के विश्लेषण के तौर पे हम देखें तो लग्न में इनके राहु बैठा हुआ है। इनका मुखर स्वभाव आप लोगों को जरूर नजर आया होगा फिल्मों में भी, और इनकी आंखें जो बोलती हुई आंखें कहलाती हैं एक प्रकार से, जो ये दर्शाती हैं कि क्रांतिकारी स्वभाव के और परंपराओं के विरुद्ध जाकर बोलने वाले व्यक्ति ये रहे हमेशा। कंट्रोवर्सियल इशू मालूम ही है आपको, मैं तो उस पर चर्चा करूंगा नहीं। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ये फिल्मों से क्यों कनेक्टेड थे। तो आप देखिए, फिल्मी कैरियर इनका निश्चित तौर पे 67 का जन्म है तो 90 के पहले ही शुरू हो गया होगा। उस वक्त ये लाइमलाइट में नहीं आए थे। तो बुध की दशा 1976 से 1993 तक थी, तो बुध का कनेक्शन भी आप देखिए बना हुआ है सूर्य के साथ नवम भाव में, और मेरा टारगेट पंचम भाव ही है। आप ये समझ ले कि पंचम भाव से ही अभिनय, मीडिया जगत, सिनेमा, टीवी सीरियल, टीवी सिनेमा का पर्दा, सब कुछ इसी भाव से देखा जाता है। तो पंचमेश सूर्य के साथ बुध महाराज बैठे हुए थे, बचपन से ही शायद ये थिएटर वगैरह से जुड़ गए, क्योंकि इनकी लाइफ हिस्ट्री यही बताती है कि रंगमंच के कलाकार ये थे। केतु की महादशा 1993 से 2000 तक रही। केतु गुरु के नक्षत्र में है और गुरु कर्क राशि में है, तो केतु की महादशा में इनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ा होगा निश्चित तौर पे। घर से बाहर भी ये निकले होंगे। असली बात यह है कि देखिए, 2000 से 29 जून 2000 से शुक्र की महादशा शुरू हुई। शुक्र की महादशा 20 साल रहती है और शुक्र की महादशा 29 जून 2020 तक थी, यानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शुक्र की महादशा, शुक्र आप जानते ही हैं ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ ग्रह है, और ये शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य पंचमेश है और शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है। एवरीथिंग इज क्लियर। शुक्र की महादशा में इनको नेम फेम मिला। सन 2000 के बाद ये थोड़ा लाइमलाइट में ज्यादा आ गए फिल्मों के माध्यम से, इनको अच्छी फिल्में मिलने लगी। शुक्र ने अपना रंग दिखाया, अपना खेल दिखाया, और शुक्र सूर्य के नक्षत्र में थे, पंचम भाव से कनेक्शन बना, और सूर्यदेव नवम भाव से, भाग्य भाव से जुड़े हुए थे, और ये शुक्र दशम भाव में नेम फेम दे रहा था। दशम भाव नेम फेम का भाव होता है। शुक्र का दशम भाव में बैठना, नेम फेम वाले भाव में बैठना, और नेम फेम का ग्रह होता है सूर्य, सूर्य के नक्षत्र में बैठना इरफान खान के फिल्मी कैरियर को एक नई ऊंचाइयां दे गया। निश्चित तौर पे ये एक सफल एक्टर रहे, खास करके इनकी पहचान एक अच्छे कलाकार के रूप में ज्यादा रही, सफलता इनको काफी मिली। शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा 2016 से शुरू हुई इनकी। बुध रोगेश है, मुझे लगता है उसी वक्त से इनका हेल्थ इशू राइज करना शुरू हुआ, और 29 अप्रैल 2019 केतु की अंतरदशा में, शुक्र में केतु की अंतरदशा होती है अंतिम, शुक्र में केतु की अंतरदशा में रोग इनका ज्यादा बिगड़ गया। केतु ऐसे रोगों को इंडिकेट करता है जो जल्दी पकड़ में नहीं आते और ला इलाज बीमारी में तब्दील हो जाते हैं।
सात तारीख का इनका जन्म है, इनकी जन्म तारीख भी केतु से ही जुड़ती है। हालांकि सात तारीख को जन्म होना ही कोई रोगग्रस्त होना इंडिकेट नहीं करता, ये जस्ट एक एडिशन है करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति के तौर पे। फलादेश के वक्त आपको हमेशा ये सोचना है कि 5-10 स्थितियां यानी 5-fold 10-fold स्थितियां सपोर्ट करती हैं किसी चीज को, तब जाके एक आउटकम आता है निकल के। तो इनका फिल्मी कैरियर क्यों था ये मैंने आपको बताया, दिखाया भी कनेक्टिविटी के तौर पे। और यहाँ ये याद रखने वाली बात भी है कि मेष लग्न में शुक्र मार्केश होता है, तो मार्केश शुक्र ने भी अपना रंग केतु की अंतरदशा में खुलकर दिखा दिया। फिर भी इनके रोग से संबंधी एक इंडिकेशन मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा कि सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली को आप ध्यान से देखें तो मेष लग्न की कुंडली में मेष राशि में 31 बिंदु हैं और छठे भाव में 35 बिंदु हैं, यानी लग्न के बिंदुओं से छठे भाव जो कि रोग का भाव कहलाता है वहां बिंदु अगर ज्यादा हो जाए तो फिर उस जातक की जिंदगी में रोग हावी होता है, रोग ऋण शत्रुता हावी होती है। शत्रुता भी जग जाहिर है। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली का विश्लेषण जब भी मैं करता हूं तो आप जानते हैं मैं बताता हूं 30 से ज्यादा बिंदु जिस भाव के भी होंगे उस भाव से संबंधी मामले में प्राप्ति ज्यादा हो जाएगी। तो आप देख लीजिए इनके रोग भाव में ही सबसे ज्यादा बिंदु हैं, बाकी प्रथम भाव में 31, दूसरे में 33, तीसरे में 30, चौथे में 29, पांचवे में 22, छठे में 35 पॉइंट है, बाकी में 30, 25, 26, 28, 28, 20 यही तक है। बाकी ऊपर वाला उन्हें जन्नत नसीब करे, स्वर्ग नसीब करे। ये वीडियो मैंने लर्निंग पर्पस से ज्योतिष सीखने के इच्छुक छात्रों के लिए डाला है, जो ये समझ सकें कि शुक्र की महादशा में उनका फिल्मी कैरियर परवान क्यों और कैसे चढ़ा, सफलता कैसे मिली। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।